मैं रवि गुप्ता और मेरे साथ सहर खान। आज से हम हर हफ्ते चलेंगे आपको कुछ ऐसी कहानियों से मिलवाने जिन्हें आप देखते तो हैं लेकिन हमेशा अनदेखा करते हैं। आइए मिलाते हैं आपको कुछ ऐसी ही कहानियों से। आज मैं हूँ चांदनी चौक में और आज मिलेंगे हम उन कान साफ करने वालों से जिनकी पहचान है लाल टोपी। आइए ले चलता हूँ आज इनके सफर। मेरे बच्चे आठ बड़े हैं, मैंने अपने बच्चों को ये काम नहीं सिखाया। तो अगर बचपन से ही करते हैं, हमारे बाप भी यही काम करते थे, दादा भी यही काम करते थे। को 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। और 4 साल मतलब ये मजबूरन करना पड़ा या फिर यार शौक है अपना? जैसे हम बताते हैं जैसे दूर से फोकस पड़ता है कि भाई ये रेट है, एक निशान है। अच्छा, जैसे मार्क होता है ना, तो आप दूर से देख लोगे कि यहाँ पर ये लाल टोपी वाले कान का मेल निकालते हैं। ये लाल टोपी इसलिए है ताकि पहचान हो जाती है कान की मेल वाले हैं। अच्छा, इसलिए कान और दूसरा बंदा जो है ग्राहक हमारा पहचान देता है कि ये मेल वाले हैं, कान की सफाई करने वाले हैं लाल कपड़ों को देख। तो एक बात सवाल, ये हमारा भैया हमारी सिर्फ पहचान और बाकी सब कोई लेना नहीं। ये होता है इससे मैल छुटाया जाता है। छुटाया जाता है, सही है, ठीक है। इससे छुटाया जाता है, अगर मैल वैल होता है, छिलका पिलका होता है, इस चीज़ से खींचा जाता है, ठीक है, फिर साफ हो जाता है। तो भाई साहब इससे फुरैली से साफ करके तेल वेल लगा देते हैं, ठीक है। दाढ़ वाड़ होती है तो देखो इससे भी खींचते हैं, इसे भी डालते हैं, ये आंकड़ा होता है। ओके, 4 साल में आपको इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा, कभी कभी गलती से कुछ हुआ ऐसे कि ये हो गया और मतलब कस्टमर बोल पड़े क्या कर दिया तूने और बात बढ़ गई हो? ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्त, ना होगा। और एक कला भरोसा होना चाहिए, बहुत नॉलेज होता है बस। यार भाई पेट सब सिखा देता है, मजबूरी एक शौक बड़ा बुरी चीज़ होता है ना। हाँ, तो हर काम करने का मजबूर कर देता है। हमने तो कर ही लिया, जैसे भी अपने बच्चों को नहीं सिखाया। बहुत से करते हैं, बाजा बजाने वाले भी करते हैं, फुकना। अच्छा। चुमटी बनाने वाले भी करते हैं। ये भी सुना है कि हमारा जो गांव में बस्ती है जो रहते हैं वो भी हमें इनाम में मिला हुआ है। किस चीज़ का? किसी राजा ने दिया होगा, उसके कान के अंदर बच्ची के या लेडीज़ के किसी के कन खजूरा घुस गया था। अच्छा। तब उसने मैल वाले ने निकाला था उसके। अच्छा। तो उसने इनाम दे दिया था, घर वर दे दिए थे रहने से। जैसे आपने अपने बच्चों को बताया कि मैं कुछ और करता हूँ, बैठने ए सी वाला काम, ये नहीं, ये सब नहीं करता जी, तो किसी ने आपके बच्चे ने कहा नहीं कि मुझे आपके ऑफिस चलना है, मुझे यहाँ जाना है? नहीं। और किसी ने? बच्चे मेरे 5 साल के। और जब पता चलेगा कि आप ये काम करते हैं फिर? और ये काम नहीं यार, पता लगने भी नहीं दूंगा दोस्त। इज्जत के खातिर आदमी कुछ भी कर लेता है। लेकिन ये तो काम है ना, काम में तो कोई बुराई नहीं ना। लव इज ब्लाइंड, हाँ, प्यार अंधा होता है। हाँ, तो बस समझ लो दोस्त, मेरी भी यही कहानी है। आपकी लव मैरिज हुई क्या? हाँ। तो सिर्फ मोहतरमा के लिए? नहीं नहीं, फिर यार सबके लिए, हर कोई काम ये नहीं करता ना। ये लो, ठीक है, खुश। कुछ नहीं, रोज कमाना रोज का खाना भाई, बच नहीं पाता, बच जाए तो बाकी और काम उड़ जाता, दुख है, तकलीफ है, बस यही है। किसी से मतलब मांगना नहीं पड़ता, उधार नहीं करना पड़ता, अपना काम है, भूखे नहीं मरते, ऊपर वाला
सही खानों में खाना दे देता रोटी। इसी तरह हर हफ्ते हम आपके सामने एक ऐसी स्टोरी पेश करेंगे जो आपने देखी तो होगी पर हमेशा नज़रअंदाज करा होगा। अगले हफ्ते शहर और रवि के साथ।